उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों में हुई फोर्थ क्लास भर्ती घोटाले की जांच 5 महीने बाद भी पूरी नहीं हो पाई है और यही वजह है कि अब जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल 5 महीने से जांच में लीपापोती की जा रही है, मगर अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार ये देरी हो क्यों रही है। अप्रैल में भर्ती प्रक्रिया रोककर इसकी जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन किया गया। आशंका ये थी कि जिला कोऑपरेटिव बैंकों में सफेद पोस्ट और अधिकारियों ने भाई भतीजावाद अपनाया है। उधर विभागीय मंत्री धन सिंह रावत सवाल का जवाब टालते नजर आए, तो वही विभागीय सचिव का कहना है कि एक जिले की जांच पूरी हो गई है और जल्द ही 2 जिलों की जांच पूरी करके शासन को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। जब स्वयं भ्रष्टाचार में कोई मंत्री लिप्त होता है तो जांच कहां सामने आएगी? उसे 5 महीने लग जाए या 50 महीने लग जाए? जब मंत्री जी का संरक्षण है तो, अगर नहीं है तो सरकार अगर ईमानदार है तो क्यों नहीं उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर रही है? किसने दबा रखी वो रिपोर्ट? मंत्री से बड़ा तो कोई नहीं होता है। आज तक एक सिंगल व्यक्ति ने भी कभी ये नहीं कहा कि साहब मैंने पेपर दिए थे और पेपर गलत हुए या मेरा रिजल्ट गलत आया। कोऑपरेटिव बैंक जो है, 3 कोऑपरेटिव बैंकों ने चुनाव के समय में जो है अपने रिजल्ट निकाले, और जैसे मेरे पास से सोचना आई कि भाई किसी के जो है दिक्कत है तो मैंने स्वतः जो है उस पर जांच बिठाई है। लेकिन आज तक सिंगल आदमी ने भी हमको ये नहीं कहा कि साहब मेरे कम नंबर हैं या ज़्यादा नंबर हैं। 3 बैंकों की जांच चल रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो जांच भी सामने आ जाएगी। पिथौरागढ़ और दूसरी जनपद, टोटल 3 जनपद में इसकी जो भर्ती का शिकायत हुई थी इसमें 1 जनपद से रिपोर्ट आ गई, बाकी 2 जनपद की रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। आई थिंक इस महीने के अंत तक शायद आने की संभावना है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर, एसटीएफ ने अंकित ट्रमोला नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। युवक को उत्तरकाशी के नौगांव से पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पेपर लीक मामले में सबूत सही मिलने पर गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार एसटीएफ की जांच जारी है और एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी के नौगांव से पूछताछ के लिए इस युवक को बुलाया गया था और पेपर लीक मामले में सबूत सही मिलने पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ा अपडेट और बड़ी खबर। तो UK SSSC पेपर लीक मामले में लगातार एसटीएफ की जांच जारी है और इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज भी एक गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि अंकित रमोला नाम के इस शख्स को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। उत्तरकाशी के नौगांव से इसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और मामले में जब सबूत सही मिले तो इसके बाद इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।